हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो भाई, लोगों ने बलेनो की कुछ ज्यादा ही हाइप बना दी है, क्योंकि मारुति ने इस बार बलेनो में कुछ फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऐड कर दिए हैं। तो लोग भी अपने अपने हिसाब से बलेनो के फीचर्स का अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कह रहा है एडास आएगा, तो कोई कह रहा है सनरूफ आएगा। कौन कौन से फीचर्स बलेनो में आने वाले हैं और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत कर लेते हैं न्यू बलेनो की फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये है बलेनो का 100% कंफर्म फ्रंट लुक, जिसमें कि इसकी ग्रिल और बम्पर को चेंज कर दिया गया है। वैसे पुरानी और नई बलेनो में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों ही मिलती जुलती सी है। और दूसरा चेंज इसके हेडलैम्प्स और डीआरएल्स का किया गया है। डीआरएल्स का डिजाइन इसे पहले से थोड़ा मोटा कर दिया गया है। और बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड में इसमें सबसे खास चीज ऐड की गई है, वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, बलेनो में इस बार 360 डिग्री कैमरा आने वाला है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि मारुति ने बलेनो की सेफ्टी पर थोड़ा ध्यान दिया है। इसी वजह से इसमें 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं और स्टील भी काफी मजबूत यूज की गई है। और बात करें इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर से इसमें केवल बम्पर और टेल लैंप्स को ही चेंज किया गया है, और टेल लैंप्स इसमें फुली एलईडी दिए गए हैं, जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राज तो इसके इंटीरियर में ही छुपे हुए हैं। तो अब मेन बात करते हैं न्यू बलेनो के इंटीरियर की। तो इसके इंटीरियर के डिजाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसमें नॉर्मल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन अब इसमें 9 इंच की BMW स्टाइल फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसमें इस बार हेडसअप डिस्प्ले भी ऐड कर दी गई है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी यूजफुल है। कुछ भी कहो भाई, मारुति ने इस बार काम तो किया है। कसम से भाई, बलेनो ने ग्लोबल एंडकैप में 4-स्टार स्कोर भी कर दिया, तो ये मार्केट में तहलका मचा देगी, हर कोई इसे ही खरीदेगा। खैर, देखते हैं मारुति वाले इसे कितना ज्यादा सेफ बनाते हैं। और वेरियंट से वही सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा आने वाले हैं, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेस वेरियंट को छोड़कर तीनों वेरियंट्स में आने वाले हैं। और रही बात प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस 70,000 से 80,000 रुपए तक बढ़कर आ सकता है। और लॉन्चिंग डेट की बात करें, तो ये इस वीक या अगले वीक तक लॉन्च हो जाएगी। तो भाई, यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।